शिक्षक साथियों नमस्कार, आपके अपने चैनल एस डी ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पढ़े तुम्हार द्वार यानी कि सी जी स्कूल पोर्टल पर एंडलाइन आकलन की एंट्री करने के लिए नया टैब ऐड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन एंडलाइन आकलन की एंट्री कैसे करेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च बार पर आपको टाइप करना होगा सी जी स्कूल डॉट इन और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पढ़े तुम्हार द्वार के होम पेज पर कुछ इस तरह से। इसके पश्चात सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए यहाँ टॉप में आपको मिल जाएगा ऑप्शन लॉगिन का, ये देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है और सी जी स्कूल डॉट इन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के पश्चात डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अपनी पसंद पर क्लिक करें। चूंकि मैं एक संकुल समन्वयक हूं, इसलिए मेरे में तीन टैब शो हो रहा है, विद्यार्थी, शिक्षक और संकुल एडमिन का। आपके में यदि आप शिक्षक हैं तो दो टैब शो होगा, विद्यार्थी और शिक्षक का, तो आपको शिक्षक पर क्लिक कर लेना है। शिक्षक के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पुनः इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके पश्चात आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये देख सकते हैं थ्री लाइन टॉप लेफ्ट साइड में है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जाना है शिक्षक के कार्य पर। शिक्षक के कार्य पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे खोज लेना है विद्यार्थी ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। विद्यार्थी ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको एंड लाइन टेस्ट एंट्री संशोधन। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे न्यू ब्लिंक हो रहा है, इसे यहाँ पे नया एड आज ही किया गया है। इससे पहले यहाँ पे बेस लाइन और मिड लाइन ऑप्शन भी शो होता था, जिसे अब यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट एंट्री करने के लिए हमें यहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात पुनः ये इस तरह से ओपन हो जाता है ऑनलाइन एंट्री। यहाँ पे सबसे पहले हमें कक्षा का चयन करना है, जैसे कि चलिए मैं कक्षा सातवीं चुन लेता हूँ। इसके बाद सेक्शन का चयन करना है ए, फिर यहाँ पर आपको विषय का चयन कर लेना है, जैसे कि चलिए मैं मैथ्स ले लेता हूँ। फिर सिंपल आपको विद्यार्थी खोजे पर क्लिक करना है। जैसे आप विद्यार्थी खोजे पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। देख सकते हैं क्रमांक, विद्यार्थी अभिभावक का नाम, खंड अ प्राप्तांक, खंड ब प्राप्तांक, खंड स प्राप्तांक। चूंकि खंड अ 30 नंबर का हुआ है, खंड ब 12 नंबर का, खंड स 8 नंबर का, इस प्रकार ये टोटल 50 नंबर का पेपर हुआ है। अब जैसे कि मुझे प्रत्येक बच्चों की खंडवार एंट्री करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक विद्यार्थी के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में इस प्रकार चेक मार्क करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक करके इसे एक्टिव कर लेना है। इससे पहले बेस लाइन और मिड लाइन में ये वाला ऑप्शन भी एक्टिव रहता था, यहाँ पे क्लिक करते ही सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें एक एक करके सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही देखना ये फिर से इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप एंट्री करने के लिए इस प्रकार बॉक्स आ गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं नंबर फिल कर लेता हूँ, जैसे कि 30 नंबर में चलिए 20 नंबर, खंड ब में 10 नंबर और यहाँ पर 8 नंबर, ये हो गया। इसी प्रकार यदि मुझे सीमा का भी एंट्री करना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही फिर से इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चलिए फिर से हम एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि 18 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर और इसमें मैं दे देता हूँ 7 नंबर। दोनों ही एंट्री करने के पश्चात यहाँ पे आपको जाना है अंतिम में, ये देख सकते हैं दोस्तों, सुरक्षित करें ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हमें प्रत्येक बच्चों का वन बाय वन इस तरह से सिलेक्ट करना है। चाहे तो आप एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले आप सिलेक्ट करने का ही काम कर लीजिए, इसके बाद ही आप सुरक्षित करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर आपको बार बार थ्री लाइन पे जाकर के इस ऑप्शन को ओपन करना होगा। इससे अच्छा है कि सभी को आप एक एक करके सिलेक्ट कर लीजिए, सभी की एंट्री कर लीजिए और अंतिम में आपको सुरक्षित करें ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बच्चों की एंट्री, ऑनलाइन आकलन की एंट्री बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।